हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, 571 पेज पर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बहुत लंबा है, थोड़ा सा बोर कर रहा होगा आपको। यहाँ पर टोटी का फर्स्ट पार्ट है साइन 18 की वैल्यू निकालनी है। ये थ्योरम है कायदे में, ये एक थ्योरम कि साइन 18 की वैल्यू निकालिए। आप कहेंगे सर 17 की क्यों नहीं निकाली है, 16 की क्यों नहीं निकाली है, 19 की क्यों नहीं निकाली है। बच्चों जो दे रखा है बस वही निकालिए फिलहाल तो, बाकी सब होती है वैल्यू है, टेबल में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी बच्चों, या मैथमेटिकल कैलकुलेटर में मिल जाएंगी। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा वैल्यू निकलवा लिया है हम लोगों से बच्चों, हम लोगों से कि जो हम लोग आसानी से निकाल सके, जिनकी वैल्यू यहां निकाली जा सके। 17 की यहां पर आसानी से नहीं निकाली जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री ले लिया, 18 डिग्री ले लेने के बाद दोनों साइडों में साइन 18 की वैल्यू निकाल ली, थीटा 18 डिग्री ले लिया, 5 से दोनों साइडों में बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 लिख दिया, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा हो गया, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का साइन ले लिया, तो साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 1 × 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आपने सब फार्मूले लर्न कर लिए होंगे। अब ये सब वैल्यू लेफ्ट साइड में लेके चले, लेफ्ट साइड में कॉस कॉमन कर लिया तो ये आ गया 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया, और फिर बच्चों स्क्वायर वाला पहले लिख लिया, फिर 2 साइन थीटा ये लिख लिया, फिर माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 लिख लिया, ये हो गया। अब देखिए ये टेक्निक है कि थीटा 18 डिग्री या 5 से मल्टीप्लाई कर ताकि इधर 90 बन जाए, और इसको 2 थीटा प्लस 3 थीटा ले लिया और 3 थीटा इधर भेज दिया, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। हम लोगों को साइन 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए, मैटर ये है। अब कॉस एक बार अगर कॉस थीटा 0 लेंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि थीटा तो बच्चों 18 डिग्री है, और फिर दूसरी बार में हम लेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों 0, हियर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और सी इज इक्वल टू माइनस 1, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके टर्म में, साइन थीटा के टर्म में। अगर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x, ये साइन के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता, तो इससे किसकी दो वैल्यू आती, x की श्रीधराचार्य से या स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म से। अब स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म लग नहीं रहा है तो श्रीधराचार्य से इसमें x की दो वैल्यू आएंगी। ऐसे ही यहां पर साइन थीटा एक्स का काम कर रहा है तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये हो गया बच्चों माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4 टू जा 8, तो ये हो गया 8 अपॉन 2a 8, सब वैल्यू लगा दी ठीक है, और ये हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 हो जाएगा बच्चों 2 टू जा 4, तो ये हो गया, और 4 a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है माइनस 1, 4 4 जा 16 हो गया बच्चों, ये आ गया भाई ठीक है। वो गलत लिखा था पहले, तो उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा की हमारे पास दो वैल्यू हो जाएगी, पहली तो पहली रिजेक्ट हो गई है, शायद मैंने दिखाया नहीं लिखा तो वहां लिख लिया जाएगा, cos थीटा 0 है थीटा 90 विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल, थीटा 18 डिग्री है तो थीटा 90 कैसे हो जाएगा उस क्वेश्चन में,
साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू प्लस माइनस रूट 20/8। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस टू प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा रूट 20। रूट 20 जो है आपका 5 4 20 होते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√5 आ जाएगा, 2√5/8। तो ये हो जाएगा -1 + -√5/4। और बच्चों ये साइन थीटा हो गया, क्या हो गया, ये साइन थीटा -1 + -√5 हो गया, 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया। अब इसमें भी दो वैल्यू आ गई बच्चों, अब आप बताइए, और ये थीटा ये ट्रिन है, तो ये हो गया -1 + -√5/4, ये हो गया। अब क्या होगा बच्चों, ये आ गया √5 - 1/4 - √5 - 1/4। अब ये वाली वैल्यू √5 जो होती है वो 1 से बड़ी होती है बच्चों, होती है 1 से बड़ी, होने के बाद 1 में से माइनस होगी तो पॉजिटिव आएगी, और ये वैल्यू लेकर नेगेटिव आएगी। अब 18 डिग्री बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, 18 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बताइए क्या साइन 18 की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू, इसे छोड़ दिया जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। और ये आ जाएगा साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4, ये हो गया साइन 18 √5 - 1/4। ये सब लर्न करना है, ये एक तरीके से थ्योरम है बच्चों, थ्योरम पूरी। साइन 18 डिग्री कितना हो गया बच्चों √5 - 1/4। ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। अब इसके बाद साइन 18 से हम लोग कॉस 18 निकाल सकते हैं। अभी देखिए साइन 18 से कॉस 18 की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। हमने आपसे कहा था कि साइन 18 से हम लोग कॉस 18 निकाल सकते हैं, तो वी नो साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू बच्चों 1 होता है। साइन 18 की वैल्यू मैंने लगा दी, साइन 18 की वैल्यू लगा देने के बाद ये हो गया √5 - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर 18 क्या हो गया 1 माइनस दिस, डिनोमिनेटर में इधर चला गया 1 माइनस दिस, और 1 माइनस में ऊपर का स्क्वायर और यहां पर प्लस माइनस आता, लेकिन 18 डिग्री अब आप बहुत बार बात हो चुकी कि आप लोगों को कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए क्या लिया जाएगा बच्चों पॉजिटिव वैल्यू ले ली जाएगी, ठीक है। तो साइन 18 से हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कॉस 18 देखा। अब हम लोग साइन 18 से कॉस 18 निकाल लिए, ये लर्न करना है आपको। लर्न करने के बाद अब हम लोग बुक में 572 पेज पर ये देख रहे हैं कि cos 36 की वैल्यू कैसे निकाली गई, जरा आप लोग करके देखिएगा sin 36 की वैल्यू कैसे निकाली गई, sin 72 की वैल्यू कैसे निकाली गई, और cos 72 की वैल्यू कैसे निकाली गई। और एक यहां पर चार्ट बना दिया गया है, और ये चार्ट ये है कि sin 18 अब जो है वो होता है √5 - 1/4, और ये cos 72 के इक्वल होगा, आप निकाल कर देखेंगे। और फिर है cos 18 की वैल्यू है √10 + 2√5/4, तो sin 72 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही बच्चों cos 36 की जो वैल्यू है वो √5 + 1/4 है, और ये हो गया साइन 54, कंप्लीमेंट्री एंगल इक्वल होते हैं आपस में। 1872 वाले 36, 54 वाले, और फिर बच्चों ये निकाला जा सकता है cos 36 से साइन 36 √10 - 2√5/4, और ये
cos 54 हो गया, तो ये आपको लर्न ही करना है। sin 18, cos 18, cos 36 और sin 36 की वैल्यू, ये सब आपको बच्चों लर्न करना है और कुछ नहीं करना है। डेरिवेशन भी आ सकता है, sin 18 से मैंने cos 18 निकाल लिया, sin cos 36 का थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, cos 36 cos 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, थीटा की वैल्यू 18 लगा दी तो cos 36 हो गया, ये हो गया 2 cos स्क्वायर 18 माइनस 1, cos 18 की वैल्यू आप जानते हैं वो लगा दीजिए और फिर इसमें स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 1 कर दीजिए, आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 18 लगा दीजिए तब भी रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। आज इतना लर्न करके रखिए, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। थोड़ा आपको हम धीरे पढ़ा रहे हैं इलेवेंथ में, ये वाला चैप्टर खासतौर से ट्रिग्नोमेट्री अभी नया है, ठीक है, आप लोग कॉपी पेन और बुक साथ में लेके बैठा करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।